पर आप बात कर लें, या आपको तो आपने लोग बोलने नहीं दे रहे, आप खुद ही बात कर लेना। चेयरमैन साहब, ये एक इंतहाई दुख और दर्द की बात है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, जो कि तकरीबन 44% इस मुल्क की जो लैंड मास है उसको कवर करता है, और हम सच्ची बात है कि जब छोटे थे उस वक्त से हम बलूचिस्तान के बारे में बदकिस्मती से कोई अच्छी खबर नहीं सुनते थे, और बावजूद इसके कि सारा मुल्क वहाँ की गैस से मुस्तफीद हो रहा था, वहाँ के लोगों को, वहाँ की रिसोर्सेज को पूरे पाकिस्तान में, और अफसोस की बात यह है कि बलूचिस्तान जो कि गैस पैदा करता था उसकी मेजॉरिटी को गैस नहीं मिलती थी। उसके बाद जब हमने ज़रा सा होश संभाला, जब हम क्रेड कॉलेज में थे 8वीं में, तो हमें ये पता चला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ की मुंतखब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की हुकूमतों को बरतरफ कर दिया और वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन किया गया। सर, वो दिन है और आज का दिन है कि हमने बलूचिस्तान को सुकून में नहीं देखा। बलूचिस्तान हमारी पार्टी की नज़र में, हम इसमें यकीन रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, के जो सियासी मसाइल होते हैं उनको सियासी तौर पे हल करना चाहिए। ताकत के इस्तेमाल सबसे आखिर में होता है, और ख़ास तौर पे जब आपके अपने मुल्क के लोग हों, जो कि उनकी जो भी रंजिशें हैं, जो भी उनकी शिकायात हैं, जो भी उनके मसाइल हैं, उस पे उनको एंगेज किया जाए। पहले मुख्तलिफ थे हालात, वहाँ से सरदारों ने सियासी तौर पे बलूचिस्तान को लीड किया, लेकिन आज बलूचिस्तान बदल चुका है। चेयरमैन साहब, बलूचिस्तान में जो यंग लोग हैं उनकी कुछ मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। जो आजकल की जनरेशन है, यंग जनरेशन, ये ब्लैक एंड वाइट में देखती है, ये ग्रे एरियाज में नहीं जाती, जबकि हमारी जनरेशन्स के लोग, हम इधर ज़्यादा फिरते थे ग्रे एरियाज में। नतीजा ये हुआ है कि वहाँ पे एक इंडिजिनस मूवमेंट शुरू हो गई है, और हम आए दिन ये बातें सुनते हैं कि बलूचिस्तान में कभी मारंग बलोच का नाम हम सुनते हैं, कभी किसी का सुनते हैं, कभी ये धरना हो रहा है, कभी ये हो रहा है। बलूचिस्तान में जो इलेक्शंस हुए वो हम जानते हैं कि वो किस तरह हुए, जिस तरह पूरे मुल्क में हुए, लेकिन बलूचिस्तान में तो एक और ही लेवल था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में एक बड़ा इज़्तिराब पाया जाता है, और इस इज़्तिराब की वजह से ये सारी जो वो है एक माहौल बन गया है, वो न बलूचिस्तान के हक़ में है न पाकिस्तान के हक़ में है। हम नहीं समझते कि किसी भी चीज़ का रास्ता तशद्दुद के ज़रिए इख्तियार किया जाए, लेकिन इसीलिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, हमारे जो भी लॉ एंड ऑर्डर के इदारे होते हैं, तो हम जैसे आम लोगों को इस बात की समझ नहीं आती कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान का जो लैंड मास है वो तकरीबन 800 से लेकर 1400 किलोमीटर तक के डिस्टेंसेस पे जगह हैं, और इतना वेल कोऑर्डिनेटेड एक दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ जिसमें कि कोई एक पॉइंट नहीं था, जिसमें कि इतने उसे था, ये क्या था, जिसमें कि लसानियत की बुनियाद पे आया, कोई लसानियत को प्रमोट करना चाहता है, फिरकावारियत के लिए प्रमोट करना चाहता है, क्या है पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, अगर आप पंजाब में भी देख लें तो वहाँ की पुलिस जो के बरसरे पैकार रही है पिछले 1.5 साल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
कि वर्करों को, लीडरों को उठाने में उनके घरों में गए हैं, उनकी खवातीन को बेइज्जत किया है, हर तरह का जुल्म ढाया है। तो दूसरी तरफ जो कच्चे के इलाके में हुआ पुलिस के साथ, हम उसकी शदीद मुज़म्मत करते हैं कि पुलिस जो जवान थे उनको लाइक अ सिटिंग डक उनको मार दिया गया, और जो आईजी पुलिस हैं वो एक शख्स की बरामदगी पे, वो भी पता नहीं मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, वो मुबारकबाद और वो ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। आया आईजी साहब हमें ये बताना चाहेंगे कि आम लोगों पे तो आप उनके घरों में भी जा सकते हैं, उन पे आप जुल्म भी कर सकते हैं, आपको पकड़ सकते हैं, उनको बेइज्जत कर सकते हैं, लेकिन जो जिस मकसद के लिए आपको बनाया गया है, और वो है कि आपने चोरों डाकुओं से आपने अपने आम आवाम को बचाना है, वो उनके हाथों में, उनसे तो उन्होंने मुकाबला किया नहीं, या वो 20-21 लोग कीमती जाने ज़ाया हो गई, तो आप आया प्रोफेशनली तैयार नहीं थे, या आसान है मुझ जैसे लोगों को या आम पाकिस्तानियों को घरों में से उठा लेना, अटैक कर देना, घरों में घुस जाना, ये तो आसान है, ये तो सॉफ्ट लोग हैं, सॉफ्ट के लिए आप तैयारी हैं, लेकिन जो एक्चुअली हार्ड कोर जो कि आपकी ड्यूटी बनती है वो आप नहीं करते। ये जो ये भी किसी के बेटे किसी के बच्चे थे जो पुलिस में के वो हुए, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ बलूचिस्तान में इस किस्म का इंटेलिजेंस फेल्योर आप कहेंगे कि इतनी बड़ी लेवल पे एक ऑपरेशन हुआ है या जो भी अटैक हुआ है उसका किसी को पता ही नहीं चला, ये कैसे हो गया, ये हम कैसे मान लें, हमें बताया जाए। इंटीरियर मिनिस्टर या जो हैं अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो हमें बताएं कि ये क्या हो रहा है मुल्क में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बदतर हो गई है कि जिसमें कोई भी शहरी अपने आप को महफूज नहीं समझता। एक वजह जो हमारी समझ में आती है कि इन वाकयात से जो बलूचिस्तान में हुआ, जो पंजाब में हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा में, इससे तो ये जाहिर होता है कि इन किस्म के हालात में जिस तरह के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि ऐसे हालात में इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, लीडर ऑफ द हाउस ये बेहतर तौर पे जानते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्या वो माहौल चाहिए होता है, वो क्या इकोसिस्टम क्या है। बैठे हुए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी, अब पहले तो मैं उनके साथ हमदर्दी करता हूं कि वो ऐसे दौर में आए जिसमें कि एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा बने जो कि लेजिटिमेसी से स्ट्रगल कर रही है। जिस तरीके से ये हुकूमत बनाई गई है इनमें लेजिटिमेसी नहीं है, और ये अल्लाह का कानून है कि हर चीज़ के लिए एक तरीक़ाकार रखा हुआ है। जिन लोगों को, जिन हुकूमतों को आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होती है वो इकोनॉमिक हज़ार स्टेप्स ले लें वो कामयाब नहीं होगी। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या है, ये नहीं कि अपने औरंगज़ेब साहब, मैं इनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इंतहाई नफीस और इंतहाई कॉम्पिटेंट आदमी है, बड़ी ज़बरदस्त बैंकिंग कर रहे थे, पता नहीं उनको मुझसे मशवरा किया होता तो मैं उनको मशवरा ना देता कि वो सियासत में आए। अब आ ही गए हैं तो फिर उनको ये भी सोचना होगा कि बैंकर इकोनॉमिस्ट नहीं होता, मैं खुद बैंकर रह चुका हूं। बैंकर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबान जो कि हमारी हुकूमत में भी बैंकर थे, पिछली हुकूमतों में भी बैंकर थे, अभी भी बैंकर हैं, आप मुझे बताएं कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर जब से ये आए हैं इन्होंने सिर्फ कर्जे मांगे हैं, इन्होंने सिर्फ कर्जों को रीशेड्यूल किया है, ये चाहे चाइना गए हैं, कहीं पर भी गए हैं, अभी भी जा रहे हैं, मिडल ईस्ट जा रहे हैं कर्जा मांगने के लिए, ठीक है। तो ये इस किस्म की इकोनॉमिक सिचुएशन में हम समझते हैं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इस पे एक पूरी तफसील से एक गुफ्तगू होनी चाहिए, और हमारी रिक्वेस्ट ये भी है कि जो प्रेसिडेंशियल स्पीच है
इसको अब ख़त्म करें, बहुत हो गया है, क्योंकि इसकी वजह से हम कई अपने पार्लियामेंट्री टूल्स ला नहीं सकते हैं जिसमें एडजर्नमेंट मोशन शामिल है, कि इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हो सके। इधर सारे बैठे हुए हैं पाकिस्तानी हैं, हम किसी को कोई ना इस काबिल हैं और ना हम अपने आप को मजाक समझते हैं कि हम कहीं ये गद्दार है और ये पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तानी हैं। हम चाहेंगे कि इस हाउस में पूरी बहस हो कि जो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इसको किस तरह से कंटेन किया जाए, बिकॉज इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज में। तो इसलिए मैं आखिर में यही कहूँगा कि ये मुल्क हमारा है और इसमें एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको कॉर्नर करने के चक्कर में कानून भी आ रहे हैं, आएंगे भी, सख्ती की जा रही है, इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा, इससे मुल्क सिर्फ पीछे जाएगा और पाकिस्तान के गरीब आवाम उनकी हालत इज़ार नहीं बदलेगी, बद से बदतर हो गई है। तो इस पे मेरे बाकी कोलीग्स भी, मैं चाहूँगा कि सबको, चाहे वो अपोजिशन साइड हो या ट्रेजरी साइड हो, बलूचिस्तान के इशू पे हमें गुफ्तगू करनी है, क्योंकि ये हमारे मुल्क का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। शुक्रिया जी। मैं चनार डिस्पेंस कर दिया जाए थोड़ा सा, सर मैं अर्ज करता हूँ।